हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो गाइस, आप लोगों का बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था, मैसेज पे भी आ रहा था और कमेंट बॉक्स पे भी आ रहा था कि पैनल में ये जो वोल्टेजेस है, जो मेन वोल्टेजेस है, किसी किसी पैनल में क्या रहता है कि ये वोल्टेजेस नहीं लिखा रहता है, कुछ दूसरे नाम लिखा रहते हैं, तब हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए आज की इस वीडियो में बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा इस वीडियो को नीचे, उस बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद साइड में जो आपको बेल बटन दिख रहा होगा उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये देख सकते हो, चार मैंने VDD, VGL, VGH, ये जो चार मेन वोल्टेज है पैनल का, टीवी का जो पैनल होता है उस पैनल का, तो इसके अलावा आपको क्या क्या नाम मिल सकता है पैनल के अंदर वोल्टेज मेजर करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज आते हैं कि VDD, तो अगर ये लिखा नहीं है तो आपको क्या क्या आ सकता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको आ सकता है DVDD, उसके बाद VDD, तो VDD तो मैंने लिख दिया हूँ। उसके बाद आपको आ सकता है VLOGI, उसके बाद आपको आ सकता है CV33V। तो इस तरह के वोल्टेज आपको मिल सकता है आपके पैनल के अंदर। अगर VDD नहीं मिले तो आपको DVDD मिलेगा, नहीं तो VGON मिलेगा, नहीं तो आपको CV33V आपको मिलेगा। और इसका जो मेन आपको वोल्टेज मिलना चाहिए वहाँ पे आपको 3.3V मिलेगा। ये जो सारे वोल्टेज मैंने अभी लिखा है ये सब VDD का ही पार्ट है। आपको किसी पैनल में, मतलब ज़्यादातर पैनल में ये जो मेन पहले बार मैं लिख रहा हूँ, पहले जो वोल्टेज का नाम लिख रहा हूँ, ज़्यादातर पैनल में ही आपको मिलेगा। लेकिन किसी पैनल में जो पैनल मतलब लोकल कंपनी ने बनाती है उनके उस पैनल पे इस तरह के वोल्टेज लिखा रहते हैं। उसके बाद दो नंबर पे है हमारा AVDD। तो अगर ये हमारे पास नहीं लिखा रहे हमारे पैनल में, तो यहाँ पे हमें मिल सकता है VDDA, उसके बाद VSA, इस तरह से आपको लिखा मतलब रह सकता है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि हमें यहाँ पे जो लिखा है मैंने VDDA और यहाँ पे लिखा है VDD, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर VDD लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको 3.3V मिलेगा और मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो आपको वहाँ पे 3.3V देना होगा। लेकिन अगर आप VDDA लिखा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 12V to 12V आपको 20V तक आपको मिलेगा यहाँ पे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो जहाँ पे आपको VDD लिखा होगा वहाँ पे आपको 3.3V मिलना चाहिए और मिलेगा, लेकिन जहाँ पे VDDA लिखा रहेगा वहाँ पे आपका 12V to 20V आपको मिलेगा, क्योंकि यह AVDD का पार्ट है और VDD एक अलग वोल्टेज है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। और आप बढ़ जाते हैं कि तीसरे नंबर वोल्टेज की, और तीसरे नंबर पे हमारा है VGL। अगर आपको पैनल में VGL नहीं लिखा है तो उस जगह पे आपका पैनल में क्या क्या लिखा रह सकता है वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आप लिखा रह सकता है VOFF, उसके बाद VGOFF, उसके बाद VEGB, और इसका जो वोल्टेज है -5V to -12V तक आपको मिल सकता है वहाँ पे। तो और एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि जो बार बार एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये जो पहली बार आपको दिखा रहा हूँ मैक्सिमम पैनल में यही आपको लिखा रहेगा, लेकिन कुछ कुछ पैनल में अगर ये लिखा नहीं रहे तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा VOFF, VGOFF, VEGB। और इस वोल्टेज के और इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको 5V से -5V से -12V तक। तो ये हो गया हमारा तीसरे नंबर पे। और अब आती है बारी गाइस चौथा नंबर पे। तो चौथा नंबर पे हमारा है VGH, ये हो गया हमारा मेन वोल्टेज।
जो मैक्सिमम पैनल में रहता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी रह सकता है कि वी जी ऑन, उसके बाद डी वी डी जी, और इसका आपका वोल्टेज 20 वोल्ट टू 30 वोल्ट तक आपको मिल सकता है। और अब ध्यान से देख लीजिएगा, और जो लास्ट में और एक वोल्टेज आती है वो हो गया 5 नंबर पे हमारा वी कॉम। और ये जो वी कॉम वोल्टेज है सभी पैनल में रहता है, सभी पैनल में। अब देखिएगा, चाहे वो ब्रांडेड कंपनी का पैनल हो, चाहे वो लोकल कंपनी का टीवी हो पैनल हो, चाहे वो किसी कंपनी का पैनल क्यों ना हो, वी कॉम आपको मिलेगा ही मिलेगा सभी पैनल में। क्योंकि मैं आज तक जितने सारे पैनल मेरे पास आया था, जितने सारे टीवी मेरे आया था, मैंने गौर से देखा था कि सारे वोल्टेजेस के नाम, और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया हूँ इंटरनेट पे कि वी कॉम का कोई और भी डिफरेंट नाम है कि नहीं, तो मुझे नहीं मिला है। और सभी पैनल में ये वी कॉम वोल्टेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको पैनल के पीछे मिले, यानी कि जो पैनल पीछे होता है उसके पीछे साइड मिले, नहीं तो आपको आगे साइड मिले, कहीं पे नहीं कहीं पे आपको मिलेगा ही। और ये था गाइस आपका, और गाइस हम वी कॉम वोल्टेज की वैल्यू की बात करें तो आपको वी कॉम वोल्टेज में आपको 5 वोल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे वी कॉम में। तो गाइस ये था आज की इस वीडियो में मेन पार्ट और मेन टॉपिक की हमारा जो पैनल में जो और किस किस टाइप का वोल्टेज हो सकता है। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक पैनल है और उस पैनल का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 2-3 पैनल है मेरे पास, अभी एक टीवी मैंने खोल के रखा हूँ पैनासोनिक का, तो उसका पैनल पीसीबी एक बार दिखा देता हूँ। मेरे कैमरा में आएगा कि नहीं पता नहीं मेरे को, फिर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैनल में पैनल पीसीबी में जो वोल्टेज मेजर करने के लिए पॉइंट दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एवीडीडी, यहाँ पे लिखा है वी कॉम, यहाँ पे लिखा है वीजीएल, यहाँ पे लिखा है वीजीएच, और यहाँ पे आपको वोल्टेज कहाँ पे कितने वोल्टेज मिलना चाहिए वो लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो V3.331 लिखा है, यानी कि यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। और यहाँ पे आपको VCC1 यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। और अगर हम इस साइड की बात करेंगे, यहाँ पे ये हो गया हमारा जो गामा वोल्टेज मेजर करने के लिए, देख सकते हो वी ऑन से स्टार्ट होती है, वी ऑन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव, वी सिक्स, वी सेवन, और यहाँ पे V14। तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा हूँ कि ये जो हमारा गामा वोल्टेजेस है, गामा वोल्टेज मेजर करने के लिए जो जगह दिया गया है तो कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना के रखा हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। और गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर हमें जो मेन वोल्टेज है यहाँ के, अगर ये लिखा नहीं रहेगा तो और क्या क्या रह सकता है। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आप क्या जानना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सिर्फ एलसीडी एलईडी के बारे में नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो भी कुछ आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पूछ सकते हो मेरे से। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ और भी इस तरह की नया नया और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।